हैं आप लोग? हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस अड्डा। मेरा नाम है सचिन मिश्रा और आप लोग कैसे हैं जल्दी बताइए। आज अपन हमने प्लास्टिक एनालिसिस पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज अपन वेल्ड शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है क्या, और स्क्रीन विजिबल है तो अपन क्लास कंटिन्यू रखें और आगे के टॉपिक पढ़ें। जो भी नए हैं चैनल पर उनको मैं बता दूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि उन्हें आने वाली जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपन आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग ऋषभ, गुड मॉर्निंग मिथुन, गुड मॉर्निंग अजय, गोवर्धन जी का गुड इवनिंग। गोवर्धन, हाइड्रोलिक मशीन आर के सर पढ़ाते हैं। कमलेश जी, ओपन चैनल अपन पढ़ते हैं ना शाम को, ओपन चैनल का जो लेक्चर होता है वो शाम को होता है। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, सब बढ़िया ऋषभ, सब बढ़िया, ठीक है। देखो तो ये नेवर बिफोर ऑफर है, मैं बता दूं आप लोगों को, 30 मई तक रहेगा ये ऑफर, 30 मई तक, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट 42% ऑफ पे मिल रहा है। और अगर आप ऐप पे यूज़ करोगे, आपके पास क्वाइन है, तो आप क्या ये कर सकते हो, इसको 47% ऑफ ले सकते हो, ठीक है। और आपको क्या कोड यूज़ करना है, Y230। अगर आप Y230 कोड यूज़ करते हो तो आपको 47% तक ऑफ मिल सकता है ऐप पे, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, और आप चाहे महापैक लें, लाइव क्लासेस लें, टेस्ट सीरीज लें, वीडियो कोर्सेज लें, ई बुक्स लें, कुछ भी जाएँ आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये द जेई क्रैकर बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। हेलो तृप्ति, गुड मॉर्निंग प्रेम। तो ये बैच स्टार्ट हो गया है, एक तरह से फाउंडेशन बैच है, ठीक है, टेक और नॉन टेक सबका। और इसमें प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। मेंस का मतलब ये नहीं कि मेंस की कोई अलग से क्लास होगी, मेंस का मतलब है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल बस आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। तो आपका एक तरह से प्री और मेंस दोनों क्लियर होगा, क्योंकि देखो मैंने बता रखा है ये 5 to 7 PM डेली 2 आवर्स की क्लास होगी डेली, और वो भी लगभग 8 to 9 month, ठीक है। मैंने हमेशा कई बार रिपीट किया इस बैच के बारे में, जो फर्स्ट टाइम कोचिंग करने वाले हैं, ठीक है, वो और जो कॉलेज में हैं अभी, वो इस बैच को ले सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही बहुत बेस्ट बैच है, अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसा बैच नहीं है। और मैं अगर बात करूँ ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन पे अभी कम से कम आने वाले 2 से 3 महीने तक कोई बैच नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोरोना का हाल क्या है। प्रेम वर्मा जी, शुभम सर की क्लास 11 बजे होती है ना, शुभम सर की क्लास 11 बजे होती है, सबकी क्लास होती है, आरके सर की भी होती है। राकेश जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये बैच बहुत बेस्ट है जो भी SSC JEE या किसी स्टेट AE की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और मैं बता दूं, इसमें जो भी सब्जेक्ट हैं SSC JEE में जो भी सब्जेक्ट हैं, अगर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, उन सब्जेक्ट को मैं बस SSC JEE लेवल की नहीं, मैक्सिमम ESC GATE सबके लेवल का पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी सब्जेक्ट SSC JEE में ये पूछ के नहीं आता। और अगर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव की, तो अपने आप ESC GATE पे चला जाता है, ठीक है। तो ये बैच आप लोगों के लिए बेस्ट है, आप लोग इसको देख सकते हैं जाके स्टोर पे। अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, वेल्ड कनेक्शन जो पढ़ने वाले हैं, आपने देखा होगा ये GATE 2021 का टारगेट लेके, और ऑल सिविल इंजीनियर एग्जाम जिसमें प्री और मेंस में जहां भी स्टील में वेल्ड जो है, कनेक्शन जो है सिलेबस में है, कनेक्शंस जो है सिलेबस में है, वहां काम आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो गेट में तो आता ही आता है, ये गेट में तो हमेशा ही आता है, ESC में भी आता है। और ये सब लोग जान लें कि SSC JEE का भी है ना ये फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। प्री में भी सवाल आते हैं और मेंस में भी सवाल आते हैं, प्री और मेन सब में सवाल आते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो आप लोगों के ऊपर से निकल जाती हैं, आप लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, और वेल्ड कनेक्शन, देखो ये स्टील का 14th लेक्चर है, ठीक है, वेल्ड कनेक्शन का Part 1 है। हाँ, एकदम मज़ेदार टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा कुछ चमकाने वाला कोई फिगर लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं मतलब जब भी पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे लिख के पढ़ाने में ज़्यादा सही लगता है, ठीक है, वो एक तरह से ऑफलाइन क्लास जैसा लगता है, लिख के पढ़ाना एक ऑफलाइन क्लास जैसा लगता है। अगर मैं PPT वगैरह लेके आऊँ, ऑनलाइन क्लास बना दूँ, तो आप लोग सुनोगे शांति से, मूवी की तरह देखोगे, ख़त्म हो जाएगी मूवी, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं हर क्लास में कभी कुछ ले के नहीं आता और लिख के पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो अगर बात करें, जहाँ जबकि कुछ रिक्वायरमेंट ना हो स्पेशल, अगर मैं बात करूँ वेल्ड कनेक्शन की,
तो अपन वेल्ड कनेक्शन में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा अपन डीप नहीं जाएंगे, ज़्यादा अपन ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ मैकेनिकल वाले वेल्डिंग कैसे करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। अमित नेगी जी, गुड मॉर्निंग, आप थोड़ा लेट हो गए। बाकी लेक्चर वेल्ड का नहीं था, बाकी लेक्चर प्लास्टिक एनालिसिस का था, ठीक है। ये वेल्ड का पहला लेक्चर है, वेल्ड का ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। बाकी लेक्चर जो हुए हैं वो हुए हैं स्टील के, ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस के। देखो अगर मैं बात करूँ वेल्ड कनेक्शन की, तो वेल्ड कनेक्शन बेसिकली क्या है कि आपको किसी भी दो मेंबर को बाई द ही यूज ऑफ हीट ऐड करना है। किसी भी दो मेंबर को कैसे ऐड करना है, कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट करना है विथ हीट एंड आर्क, ठीक है। एक आर्क मटेरियल होता है जिसके जिसको अपन क्या करते हैं, हीट करके आर्क को क्या करते हैं, वहां फिल कर देते हैं। इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस अपन यूज करते हैं, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। O2 क्या करता है, O2 का यूज क्या है कि जब अपन मटेरियल को क्या करते हैं, देखो कभी भी जब वेल्डिंग होती है ना, तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, एक मटेरियल को मेल्ट करते हैं, ठीक है, मेल्ट करते हैं, ठीक है। और ये जब भी अपन करेंगे मेल्ट, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज होने से रोक देता है। ऑक्सीडाइज जो है ये ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, ऑक्सीजन क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं देता, मतलब इसको जल्दी सूखने नहीं देता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये मेल्ट मटेरियल जो हम इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक का एक क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड से हम क्या करते हैं, इस पे करंट फ्लो करा के इसका जो हीट है केमिकली, ये जो मोल्टेन मटेरियल है केमिकली, हम जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटी है, केमिकली इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी है, जब आप इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटीज है जो, वो क्या होते हैं, इस इलेक्ट्रोड की वजह से, बेसिकली क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है, तो इलेक्ट्रोड की वजह से जो इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, इस मेटल के अंदर सरफेस के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है, वो इसके सॉफ्ट होने के, मतलब हार्ड होने के बाद क्या जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, आ जाते हैं सरफेस पे, ठीक है। इस इम्प्योरिटी को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, डायग्राम से दिखाऊं, मान लो ये ब्लैक वाला रेड वाली बिल्डिंग है, ये इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी है, तो इसी इम्प्योरिटी को अपन बोलते हैं स्लैग, ठीक है। ये होता है स्लैग, ये सरफेस पे आता है स्लैग। और इस ध्यान रखना, ये बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, मतलब जो भी बता रहा हूँ ना सब आपको काम आने वाला है, बाकी अपन वेल्डिंग बाद में डिस्कस करेंगे। स्लैग, और ये स्लैग अपन को जब भी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो बिफोर बिफोर कनेक्टिंग एनी मेंबर, बिफोर कनेक्टिंग एनी मेंबर, ध्यान से सुनना, किसी भी मेंबर को कनेक्ट करने से पहले, और पेंट आपको क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूव द स्लैग, ठीक है। और ये स्लैग इलेक्ट्रोड की वजह से क्या होता है, ऊपर आ जाता है। इलेक्ट्रोड का इतना ही काम होता है, एक तो करंट फ्लो कराता है जिससे ये मेल्ट हो जाता है मटेरियल, दूसरा क्या करता है कि ये इम्प्योरिटीज जो हैं, चाहे इलेक्ट्रोड के अंदर जो भी आप आर्क यूज करते हैं उसके अंदर, या फिर आपके जो कनेक्टिंग प्लेट है उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं, वो क्या हो जाती हैं, अपने आप सरफेस पर आ जाती हैं। हाँ अभी बात करेंगे रेनफोर्स क्या होता है, मिथिलेश जी जल्दी मत रहिए, सब बात करेंगे अपन, ठीक है, सब पता चल जाएगा रेनफोर्स क्या होता है। तो ये क्या क्या आता है, सरफेस पर आता है जिससे कि इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाती है। तो ये तो क्या था, बेसिक सा था मैकेनिकल, ठीक है। इससे ज़्यादा मैकेनिकल आपको नहीं सीखना है, इससे ज़्यादा मैकेनिकल आप लोग के लिए हानिकारक है, ठीक है, और मुझे भी नहीं आता। अगर आप कहोगे तो पढ़ाने के लिए मैं पढ़ के पढ़ा दूंगा, इससे ज़्यादा काम का नहीं है वैसे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक कि हाँ ये था, मतलब कैसे अपन वेल्ड करते हैं, कैसे स्लैग हटाते हैं, स्लैग हटाने का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। हाँ इम्प्योरिटीज एकदम सही मिथिलेश। देखो अगर मैं ये टॉपिक, अगर ये हो गया तो नेक्स्ट बताता हूँ आप लोगों को कि अगर आपने कहीं वेल्डिंग कर लिया है, अगर आपने कहीं वेल्डिंग कर लिया है तो आप उसकी इंस्पेक्शन कैसे करोगे, मतलब आप कैसे चेक करोगे। अगर मैं बात करूँ इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग, देखो यहाँ पे मैंने बताया एकदम अपन बेसिक से चलेंगे, जीरो से, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे एकदम जीरो से कि अगर कहीं वेल्डिंग हो गई हो तो आप कैसे पता करोगे। देखो टेम्परेचर जो है वेल्डिंग का जनरली होता है 3500 से लेके 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 3500 से लेके 3600 वेल्डिंग सेंटीग्रेड, क्लियर। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इंस्पेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं इंस्पेक्शन की, ये सब बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, यार कुछ भी आपके मन में ना ऐसा कोई डाउट मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। जानबूझ के कोई डाउट लेके आओ कि सर को चेक करें, सर को आता है कि नहीं आता है, तो अलग बात है। अदरवाइज जितने भी डाउट
आपके मन में आएंगे मैं सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। टेम्परेचर कितना होता है ये सब बता दूंगा मैं सब कुछ। अगर आप बात करो इंस्पेक्शन की, तो इंस्पेक्शन के लिए तीन टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, तीन नहीं दो, बेसिकली तीन टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। दैट इज, एक टेस्ट का नाम है डाई पेनेट्रेशन टेस्ट, डाई पेनेट्रेशन टेस्ट, ठीक है। देखो डाई पेनेट्रेशन टेस्ट में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि किसी पाइप कनेक्शन के लिए, किसी पाइप कनेक्शन के लिए, जैसे आपने कोई पाइप पाइप जोड़ा है, ठीक है, इस तरह से पाइप जोड़ रखा है, एक यहाँ पे एक पाइप जोड़ रखा है यहाँ पे, और इसमें क्या हो रहा है कोई फ्लूड फ्लो करवाना है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये फ्लूड के साथ साथ आप क्या करोगे, कोई डाई कलर मिला के, ठीक है, कोई डाई या कलर मिला के आप क्या करोगे इसमें छोड़ दोगे। अगर कहीं से भी वेल्डिंग में, अगर कहीं वेल्डिंग में प्रॉब्लम होगी तो वो क्या होगा, डाई यहाँ से बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कि डाई पेनिट्रेशन टेस्ट कहाँ यूज करते हैं, ध्यान रखना इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग फॉर पाइप कनेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग फॉर पाइप कनेक्शन। अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं, जो सेकेंड टेस्ट है, जो सेकेंड टेस्ट है दैट इज अल्ट्रा सोनिक टेस्ट, ठीक है। जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट है ना, ये यूज करते हैं अपन स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर में, कहाँ यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर में। देखो इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्ट वहाँ किया होगा, अल्ट्रासोनिक टेस्ट वहाँ किया होगा कंक्रीट वगैरह में, कि अगर आप अल्ट्रासोनिक टेस्ट करोगे अगर बीच में गैप होगा तो वेव नहीं जाएगी, बीच में गैप नहीं होगा तो वेव जाएगी, इसमें भी ऐसा ही है। अगर आपने ये स्ट्रक्चरल मेंबर है इससे आपने कनेक्ट किया है, ठीक है, तो कनेक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, अगर यहाँ से कोई अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ से चलेगी तो यहाँ पे मिलनी चाहिए। अगर यहाँ मैं ट्रांसड्यूसर लगा दूँ, क्या लगा दूँ, ट्रांसड्यूसर लगा दूँ, और यहाँ क्या लगा दूँ, रिसीवर लगा दूँ, तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा रिसीवर। देखो इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि जैसे कंक्रीट में होता है ना कि स्पेसिफिक डेटा होता है कि हाँ इतना वेव है वेलोसिटी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्योंकि ये डिपेंड करता है ना इस थिकनेस पे कि थिकनेस कितनी, इसीलिए यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। राकेश जी इंस्पेक्शन का मतलब आप वेल्डिंग को कैसे चेक कर रहे हो, चेक करना, वेल्डिंग चेक करना, वेल्डिंग को चेक, इंस्पेक्शन का मतलब होता है वेल्डिंग को चेक करना, ठीक है, कि वेल्डिंग सही हुई है कि नहीं हुई है, क्लियर। तो यहाँ रिसीवर लगाएंगे, तो यहाँ अगर कंप्लीट आपको पहुँच रही है वैल्यू, मतलब इसका क्या मतलब है, ये वेल्डिंग क्या है ओके है, अगर यहाँ सही नहीं है तो बीच में हो सकता है क्या हो, कहीं वाइड हो, कहीं बीच में हो सकता है वाइड हो, इसीलिए क्या है रिसीवर पे सही जो एज इट इज यहाँ से आप जो वेव चल रही है वो यहाँ पे क्या हो रही है, नहीं पहुँच रही। और इसका कोई स्टैंडर्ड देखो डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया आपको थिकनेस पे डिपेंडेंट है। तो ये देखो बेसिक सी बात हो गई, बहुत स्टार्टिंग की बात हो गई कि हाँ क्या है वेल्ड कैसे करते हैं, क्या इसका चेकिंग है कि सही हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, ये बाकी बातें आप सबको क्लियर हो गई। तो अपन आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ वेल्ड पे, ठीक है। हाँ देखो एकदम मिथिलेश जी ने शुद्ध हिंदी बताई, निरीक्षण, ठीक है। अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ वेल्ड। देखो टाइप्स ऑफ वेल्ड की बात करूं तो जनरली बस दो ही टाइप की वेल्ड होती है, ठीक है, एक होती है फिलेट वेल्ड, ठीक है, और दूसरा होता है बट वेल्ड, ठीक है, बस दो ही होती है, अपन इनके टाइप्स अलग अलग हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं फिलेट वेल्ड की, ठीक है, पहले बट की बात कर लेता हूँ कि फिलेट वेल्ड ही हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में केवल इतना ही है। बट वेल्ड से छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं आप लोगों के जीवन में, ठीक है, जो आप लोगों को परेशान करते हैं तो वो सवाल अपन समझ लेंगे, लेकिन अपने को इतना ही पढ़ना है। पुष्पेंद्र जी प्रणाम, कैसे हो, कैसे हो पुष्पेंद्र। देखो बट वेल्ड से ज्यादा सवाल अपने जिंदगी में आता नहीं है, ठीक है, तो आप बट वेल्ड ज्यादा परेशान होना नहीं है। अगर मैं देखो बात करूं, पहले बात करूं बट वेल्ड का, फिलेट वेल्ड को अपन पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। देखो बट वेल्ड क्या होता है कि जब अपन ये कनेक्शन यूज कब करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बट वेल्ड यूज, इसको देखो एक चीज ध्यान रखना, इसको ग्रू वेल्ड भी बोलते हैं, सेम नाम है, क्या नाम है, ग्रू वेल्ड, ठीक है। तो जब भी कोई कनेक्शन, ठीक है, दो प्लेट को अगर क्या है, दोनों प्लेट सेम डायरेक्शन में है, मतलब क्या है, जो कनेक्टिंग प्लेट है, जो कनेक्टिंग प्लेट है क्या है, वो एकदम एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब क्या है, ऐसे इस तरह का एक प्लेट है और इस तरह की एक प्लेट है, ठीक है, इस तरह की एक प्लेट है और इस तरह की प्लेट है,
इन दोनों को आपको जोड़ना है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में दोनों लोड, एकदम लोड के पैरेलल जोड़ रहे हो आप। तो आप क्या करोगे, यहां पे अपन करते हैं, यहां पे अपन अब करते हैं कौन सा, बट वेल्ड, ठीक है, ये है बट वेल्ड, अच्छे से बनाता हूं इसको, ये है बट वेल्ड, ठीक है, क्लियर। अब देखो अभी किसी ने मुझसे पूछा सर रेनफोर्समेंट क्या होता है, देखो बता दूं मैं आपको, मैं ये जो प्लेट की थिकनेस में हमने वेल्ड किया है, ये जो थिकनेस में हमने वेल्ड किया है, ये तो जो है, हाँ एकदम मिथिलेश जी पढ़ने में ध्यान दीजिए, पढ़ने मन लगाना पड़ेगा, मन लगता नहीं है, देखो किसी को पढ़ाई पसंद नहीं है, मैं छोटे से ज्ञान की बातें कर लेता हूँ 2 मिनट, ठीक है, ज्ञान की बातें कर लेता हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा लेकिन 2 मिनट ज्ञान की बातें जरूरी है। देखो पढ़ने में मन, मैं बता देता हूँ, पढ़ने में स्टडी में किसी का मन नहीं लगता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, किसी का भी, कोई ऐसा नहीं है जो ये मुझे कह दे मन से कि नहीं सच में मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान है ना जिसको पढ़ने का मन करे वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, वो आपसे झूठ बोल रहा है कि नहीं मुझे तो बस पढ़ने का मन करता है। लेकिन क्या है, आपको अगर जिंदगी में आपका कुछ एम है, ठीक है, पढ़ाई कुछ ऐसी चीज नहीं है, अगर आपको जिंदगी में कोई एम है और उसको अगर फाइंड करना है, तो जो पढ़ाई है ना उस एम की सीढ़ी है, ठीक है, तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, आपको ये सीढ़ी चढ़नी है, आपको अगर कहीं पहुंचना है, यहाँ आपको अगर पहुंचना है, यहाँ पे आपका कुछ ड्रीम जॉब है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जिंदगी में एक कार है ऐसी इस तरह वाली, ठीक है, जैसे ड्राइंग, ड्राइंग तो मेरी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी इस तरह की अगर कार है आपकी ज़िंदगी में, तो ये सीढ़ी जो है ये पढ़ाई की सीढ़ी है, ठीक है, पढ़ाई की सीढ़ी है, इसको आपको चढ़ना पड़ेगा, आप इसको मिस नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते, आपने अगर ये सीढ़ी छोड़ी तो इसके अलावा कोई रास्ता देखो दूसरा है नहीं, दूसरा रास्ता जो है बाकी बहुत लोग पहुँचते हैं दूसरे रास्ते से भी, लेकिन वो रास्ता सेफ नहीं है, वो रास्ता पहुँचने के बाद आप इसको यूज़ कर पाओगे कि नहीं कुछ, ठीक है, एकदम सही बात, देखो एकदम सही बात है, ये बस सीढ़ी है और आपको ये सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पहुंचना है, अगर आप नहीं पहुंचना चाहते, आप सीढ़ी तभी नहीं चढ़ोगे जब आप वहां नहीं पहुंचना चाहते, ठीक है, तो पढ़ाई में मन लगाना ही पड़ेगा आपको, ये आपका एम है, आप पढ़ाई को ऐसे जॉब मत लिया करो, आप लोग पढ़ाई कोई जॉब नहीं है यार, पढ़ाई क्या है, आपका एक रास्ता है जिसको आपको क्लियर करना है, ठीक है, आप रास्ते पे चल रहे हो, आप भाग रहे हो, आपको बस पहुंचना है, तो आप चलते रहो, रुको मत, बस आपको ये करना है कि आपको चलते रहना है, क्लियर है, आपको चलते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको अगर आपने ये रास्ता है, ये थोड़ा लंबा रास्ता है, बहुत लंबा नहीं है, ठीक है, हाँ एकदम, तो आपको देखिए पुष्पेंद्र जी ने एकदम सही बात कही, ठीक है, इसके बाद दूसरा टर्म आता है ना सीखने का, अब देखो सीखना हर इंसान को अच्छा लगता है, सीखना जो है सबको अच्छा लगता है, तो अगर आप पढ़ाई को एक तो ऐसे ले लो, दूसरा क्या ले लो, सीखने के तरीके से ले लो, लेकिन कई बार क्या होता है, देखो जो एक दो बार पास आउट हो जाते हैं ना, जो एक बार दो बार पास आउट हो जाते हैं वो सोचते हैं कि नहीं एक चीज बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनमें मन नहीं लगता, तो आपको देखो अपना एम को ना स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपको वो एम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अब देखो एम किसी का कुछ भी हो सकता है, ऋषभ मुखर्जी लिख रहे हैं कुछ कि सरकारी नौकरी की डिमांड है, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के ऊपर है कि आपका एम क्या है, जो भी आपका एम है उसको पहुंचने के लिए आपको पढ़ाई के रास्ते पार करने पड़ेंगे, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और नम्रता जी याद रखने का, देखो एक ही चीज है, याद रखने का मतलब बार बार क्या है आपको रिवीजन करना है, देखो कोई भी इंसान जो है ना वो मेमोरी कार्ड नहीं है, ध्यान रखना, इंसान जो है मेमोरी कार्ड नहीं है, चाहे कोई भी इंसान हो सब भूलता है, ठीक है, सब भूलते हैं, आपको क्या करना है बार बार आपको क्या करना है रिवाइज करते रहना है, ठीक है, ले लेंगे कभी पर्सनल डेवलपमेंट क्लास, ठीक है, टेंशन मतलब अभी कोर्स तो कंप्लीट कर लो, देखो रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर जिनको भी भूलने में मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा भूल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं भूलता, देखो नॉर्मली सब 1 वीक में भूल जाते हैं, मैं बता देता हूँ सब सच्चाई आप लोगों को, ठीक है, ये सब लोग 1 वीक में भूल जाते हैं, आप लोगों से बड़ा हूँ तो इतना थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है। हाँ देखो नयन ऐसा नहीं, लकीली कहीं क्वालिफाई नहीं होता, आपने मेहनत करी है, आपको ऐसा लग रहा है कि लकीली हुआ है, बट इट्स योर मेहनत, ठीक है, आपकी मेहनत है, जो भी लकीली बात कर रहे हैं ना लोग पूछ रहे हैं कह रहे हैं लकीली हुआ है, ऐसा नहीं है, देखिए लकीली कुछ नहीं होता है, ठीक है,
लकीली आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है, लकीली आप कभी पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो सकते। लकीली आपको क्या मिल सकता है कि आप कहीं गए, आपने कुछ स्पिन किया, ठीक है, और आप कुछ जीत गए, यू वन समथिंग, वहां आप बोल सकते हो कि लकीली हुआ है। स्टडी में ना आपने कोई एग्जाम पास किया है, कोई एग्जाम पास किया है, कोई कहे लकीली पास कर लिया, तो नहीं, आपने मेहनत की है, ठीक है, आपने बहुत मेहनत की है, और आप उस मेहनत को पहचानो और उससे ज्यादा मेहनत कर सकते हो तो और बढ़िया, बस क्वालिफाई ही नहीं, आप टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग ये सोचते हैं लकीली हो गया, ऐसा नहीं है, आप सबके पास, देखो मैं, अब आपने मुझे मतलब यहाँ पे बताई दिया, एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहले क्या होता था, आज के मतलब चलो ले लेते हैं 70 to 80 years बैक, ठीक है, आज की क्लास, बहुत लोग मुझे डिसलाइक करेंगे कि सर ने टाइम पास करा दिया आज की क्लास में, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। 70 years बैक क्या होता था ना, कि पीपल्स जो होते थे ना, जो मतलब अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस को बात करूँ, तो ह्यूमंस दो तरह के होते थे। एक ह्यूमन होते थे जिनका जो आईक्यू लेवल होता था बहुत हाई होता था, ठीक है, और एक होते थे लो आईक्यू लेवल के ह्यूमन, एक आईक्यू लेवल हाई और एक होते थे लो आईक्यू लेवल के। ये रीजन देखो क्या था ना, इसका रीजन ये था कि जो लो आईक्यू लेवल के थे उनको क्या था कि ढंग से उनको फूड नहीं मिलता था, फूड नहीं मिलता था, और बाकी जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलता था। इसकी वजह से क्या होता था, इनका डेवलपमेंट नहीं होता था, तो उनके उनका डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए उनका क्या होता था, आईक्यू लो रह जाता था। और जो हाई आईक्यू के लोग रहते थे उनको अच्छा खासा फूड मिलता था, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट सुविधाएं मिलती थी, तो इससे क्या होता था कि वो ज़्यादा तेज थे और वही अच्छे काम कर पाते थे, जो ज़्यादा तेज थे वही सक्सेस हो पाते थे। लेकिन फॉर करेंट सिनेरियो मैं बता दूं, करेंट सिनेरियो जो है केवल एक क्वालिटी के लोग हैं और सब लोग जो हैं वो हाई क्वालिटी के हैं, हाई आईक्यू के हैं। मैं बता दूं यहाँ पे ऐसा है कि हाई आईक्यू का कभी वेरिएशन नहीं हो सकता है, किसी का आईक्यू 1000 हो, किसी का आईक्यू 995 हो, ठीक है, या किसी का आईक्यू हाईएस्ट 99 990 हो, ठीक है, इससे कम आज के ज़माने में करेंट सिनेरियो में किसी का आईक्यू नहीं है। सबका दिमाग एकदम हाई लेवल पे है, अच्छा है, क्योंकि सबके पास अच्छी फूड है, सबके पास इंपॉर्टेंट सुविधाएं हैं। तो देखो इस लेवल के जो भी बंदे हैं ना, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि देखो ये बंदा एएस बन गया, ये ईएस बन गया, इसने गेट में पहली रैंक ले आई, इसने गेट में दूसरी रैंक ले आई, या कुछ भी जिसने भी किया है ना, वो आपके जैसा है, सिमिलर टू यू, मैं आप लोगों को बता दूं, वो एकदम सिमिलर टू यू है, ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले ऐसा था कि नहीं उसका दिमाग तेज, लोग बोलते थे इसका दिमाग बहुत तेज है, सुना होगा तुमने कि इसका दिमाग ही बहुत तेज है, क्या करें, अब ऐसा कुछ ही नहीं है, सबका दिमाग बहुत तेज है, जितने भी है ना सबका दिमाग तेज है, खाली आप लोग का प्रॉब्लम पता है क्या है, आप लोग की प्रॉब्लम है फील्ड, फील्ड जो है ना, जो आप लोग का दिमाग तेज का जो फील्ड है ना, आप लोग का तेज वाला फील्ड है, बस आपको इसको कन्वर्ट करना है अपनी स्टडी की तरफ, ठीक है। आप लोग देखो सब लोग अपने आप को ऑब्जर्व करना, आप लोग किसी फील्ड में इतने तेज हो गए ना कि आपसे तेज कोई नहीं होगा, ठीक है, तो ये फील्ड आप बदलो और उसको इधर ले आओ, या जिस फील्ड में आपको पसंद है उधर ले आओ। तो छोटी सी बात मैं ये बता रहा था कि कभी ये नहीं सोचना है कि कोई किसी से कमजोर है या वो टॉप किया तो उसकी वो बहुत तेज दिमाग का होगा, नो, आप सब लोग तेज दिमाग, ये इतना डिफरेंस ना कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जो जिनका आईक्यू लो है ना एकदम, वो देखो आज के ज़माने में पागल कैटेगरी में आते हैं, वो घूमते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, अगर MR मेंटली रिटायर्ड एक बीमारी होती है, ठीक है, तो मेंटली रिटायर्ड बीमारी के वो बीमार होते हैं, अदरवाइज सबका आईक्यू लेवल यही है, ठीक है। तो किसी को ये नहीं सोचना है कि आप कमज़ोर हो या वीक, ठीक है, आप पढ़ो और आप सब लोग बहुत तेज हो, सब लोग, ऐसा कोई भी नहीं यहाँ पे जो ऐसा सोचता हो कि नहीं मेरा तो दिमाग ही कमजोर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये ना उसकी गलत फहमी है, ऐसा एकदम दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, कोर्स पे आते हैं, ठीक है, कोर्स जरूरी है, बाकी बातें होती रहेंगी। तो देखो ये जो अभी मैं बता रहा था यहाँ पे बट वेल्ड के बारे में, ये जो टी था ये तो थिकनेस ऑफ वेल्ड का जो क्या करेगा, जो इफेक्टिव थिकनेस है, जो क्या है, इफेक्टिव थिकनेस है, ठीक है। और ये जो थिकनेस है, ये दिस इज टर्म एज TR, ठीक है। देखो मिथिलेश जी, मैं कह तो रहा हूँ सबका दिमाग तेज है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस इंजीनियर स्मार्ट है, ऋषभ जी सब स्मार्ट है, सबका अपना अलग अलग फील्ड में दिमाग स्मार्ट है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ तो ये जो टी है दिस इज इफेक्टिव थिकनेस, और ये जो TR है, इस TR को अपन बोलते हैं दिस इज थिकनेस ऑफ रेनफोर्समेंट। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो जो TR था ये था थिकनेस ऑफ रेनफोर्समेंट, इसी को अपन बोलते हैं रेनफोर्समेंट। अभी मुझसे पूछा था मिथिलेश ने, शायद पूछा था कि सर रेनफोर्समेंट क्या होता है, तो देखो यही जो थिकनेस था, एक्स्ट्रा थिकनेस जो हमने प्रोवाइड करी थी ना प्लेट के ऊपर,
ये प्लेट थी, इसके ऊपर एक्स्ट्रा थिकनेस जो हमने प्रोवाइड करी थी, ये एक्स्ट्रा ये वाली, अगर मैं अब कलर चेंज करूं, ये थिकनेस जो थी वो क्या है, ये है रेनफोर्समेंट की थिकनेस, ये ऊपर वाली, ये है टी आर, ठीक है, और ये है इफेक्टिव थिकनेस, ठीक है टी, ये है इन केस ऑफ बट वेल्ड। देखो मैं अगर बट वेल्ड के बारे में कुछ बता दूं, तो इफेक्टिव थिकनेस की अगर बात करूं, बट वेल्ड की इफेक्टिव थिकनेस की बात करूं, तो बट वेल्ड की जो इफेक्टिव थिकनेस होती है ना, इफेक्टिव थिकनेस जो होती है वो प्लेट के थिकनेस के बराबर होती है, प्लेट थिकनेस, ठीक है। अगर ये दोनों क्या है, सेम साइज के हैं, तो सेम साइज के तो प्लेट थिकनेस, अगर सेम साइज के नहीं है तो थिकर प्लेट की थिकनेस के बराबर होंगे, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब आपको थिकनेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा थिकनेस है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट एक रुबेल जी, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का रीजन ये है कि आप देखो कभी भी वेल्ड करोगे ना, तो ये इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप बस केवल यहीं से जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए बेसिकली अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करोगे ना, तो ये वाला जो पोर्सन है, अगर मैं इसको दिखाऊं, ये वाला पोर्सन और ये वाला पोर्सन ज्वाइंट नहीं होगा, ठीक है, खाली ये वाले पोर्सन ज्वाइंट होंगे, बात समझ में आ रही, खाली ये वाले पोर्सन ज्वाइंट होंगे, ये वाले पोर्सन और ये वाले पोर्सन ज्वाइंट नहीं होंगे, इधर भी और इधर भी, जो क्या करता है कि इसको टेंशन के साथ साथ सीयर में भी लोड प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह देखो ये तो क्या कर रहा है, टेंशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ से खींचेगा लोड या यहाँ से कंप्रेसिव लोड आएगा, तो टेंशन के साथ साथ यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे सीयर भी एक्स्ट्रा जनरेट कर देता है। तो आप क्या करते हो, और एक बात और ध्यान रखना, इस रेनफोर्समेंट की मैक्सिमम थिकनेस 3 mm हो सकती है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये है मैक्सिमम, हाँ एकदम सही, देखो बात कर रहे हैं, रिवेट जैसा ही बना देते हैं इसको, एकदम रिवेट जैसा ही बना देते हैं, रिवेट नहीं है, दिखने में ऐसा लग रहा है रिवेट जैसा, ये रिवेट जैसा ही बना देते हैं, और इसकी मैक्सिमम थिकनेस जो है वो 3 mm से ज्यादा नहीं होती, ठीक है, हाँ एकदम सही, और इसको इसकी थिकनेस जो होती है वो या तो 5/8 ऑफ थिकर, अगर मान लो बहुत ज्यादा थिकनेस की प्लेट ज्वाइन कर रहे हो और इसकी थिकनेस जो है मान लो वो जो है 10 mm से ज्यादा आ गई, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, 5/8 ऑफ थिकर जो है आप प्रोवाइड कर दोगे इफेक्टिव थिकनेस। जनरली आपसे इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता कि थिकनेस ऑफ प्लेट से ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना अपने को, बट वेल्ड में बट वेल्ड इससे ज्यादा है नहीं, ठीक है, बट वेल्ड इज सफिशियंट, बट वेल्ड में इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत देखो नहीं है और न काम का है। देखो वो इफेक्टिव नहीं है, जो मोर देन जितेंद्र है ना, ये दिस इज नॉट इफेक्टिव, मैं बात कर रहा हूँ इफेक्टिव की, इसको अपन काउंट नहीं करते हैं, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए है, बट इसको स्ट्रेंथ में काउंट नहीं करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा है इसको काउंट नहीं करते हैं, थिकनेस यही है इफेक्टिव, इफेक्टिव यही है केवल जो काम में आएगा, ये अपन ड्यूरिंग द डिजाइन इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है ना, ये थिकनेस ऑफ रेनफोर्समेंट इसको काउंट नहीं करते एक्स्ट्रा में, ठीक है, ध्यान रखना है, उससे कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। तब देखो मैं आता हूँ फिलेट वेल्ड की तरफ, अब मैं आता हूँ फिलेट वेल्ड की तरफ, इतना कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैंने बताया ना वो एक्स्ट्रा थिकनेस है। देखो मैं बात करूँ अगर फिलेट वेल्ड की, फिलेट वेल्ड की बात करूँ, ठीक है, तो फिलेट वेल्ड जो है नॉर्मली, मतलब आप 3 तरह की बोल सकते हो, ठीक है, एक नॉर्मल फिलेट वेल्ड बोल सकते हो उसको, आप उसको फिलेट वेल्ड का ही टाइप है बेसिकली, इसको अलग अलग टाइप भी मिल जाता है, ठीक है, आप प्लग वेल्ड भी बोल सकते हो, और आप क्या बोल सकते हो, स्लॉट वेल्ड एक अलग है, प्लग अलग है, स्लॉट अलग है, ठीक है। देखो तो फिलेट वेल्ड पहले पढ़ेंगे, अब प्लग और स्लॉट पे अपन क्वेश्चन करेंगे, मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ से हल्का सा प्लग और स्लॉट होता क्या है, बहुत आसान है ये, कुछ है नहीं प्लग और स्लॉट वेल्डिंग में। देखो तो प्लग वेल्डिंग में क्या होता है, कुछ नहीं है, अगर मैं बात करूँ प्लग की, सारे फिलेट के ही टाइप हैं, ठीक है, कहाँ पे इसेंट्रिसिटी जनरेट हो गई, देखिए इसीलिए एक्स्ट्रा अपन इसेंट्रिसिटी प्लेट में कहाँ जनरेट हुई, आपने इसेंट्रिसिटी जनरेट कहाँ की प्लग वेल्ड में, हमने बात की है पैरेलल प्लेट को ज्वाइन करने के लिए, मैंने बताया था प्लग वेल्ड कब यूज करते हैं, जब कनेक्टिंग प्लेट सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, इसेंट्रिसिटी कहाँ से आ जाएगी, सेम लोड लग रहा है तभी अपन प्लग वेल्ड यूज करते हैं, अदरवाइज अगर कुछ भी इसेंट्रिसिटी जैसा टर्म है तो अपन क्या यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं फिलेट वेल्ड। देखो बता देता हूँ ये भी, फिलेट वेल्ड तब यूज करते हैं जब जो
ज्वाइनिंग प्लेट है, जो कनेक्टिंग प्लेट है, जो कनेक्टिंग प्लेट है वो क्या है, अदर देन कुछ भी है, मतलब अदर देन पैरेलल, मतलब कुछ भी है किसी भी एंगल पे है, एट एनी एंगल, एट एनी एंगल। जनरली ये एंगल जो है 60 से लेके कितना डिग्री तक होता है बताओ जल्दी से, 60 से लेके, क्या हो गया यार पेज क्यों बार बार घूम जा रहा है, 60 से लेके 120 डिग्री तक होता है ये एंगल, ठीक है। अपन बात करें फिलेट वेल्ड में तो ठीक है, ये कनेक्टिंग प्लेट, मतलब जब भी कनेक्टिंग प्लेट कैसी हो, कोई प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आ जाए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्वाइंट करना हो, मतलब या आपको इस तरह से कोई प्लेट ज्वाइंट करनी हो, ये मान लो प्लेट है, यहाँ पे आपको ज्वाइंट करना हो या यहाँ पे ज्वाइंट करना हो, जनरली देखो ये जनरली जो है ये परपेंडिकुलर होता है, जनरली ये परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना जनरली। अब वहाँ क्या था, अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी जरूर आएगी, ठीक है, यहाँ पे जो है इसेंट्रिसिटी देखो जरूर आएगी, यहाँ पे लोड लगेगा, यहाँ पे लोड लगेगा, क्या जनरेट होगा इसेंट्रिसिटी, यहाँ पे आएगी इसेंट्रिसिटी जरूर आएगी, ठीक है। वहाँ नहीं, वहाँ अपन ने क्या किया था, सेम डायरेक्शन में ज्वाइन किया था, यहाँ पे क्या है डायरेक्शन क्या है अलग अलग है, एकदम सही। देखो 60 to 120 अपन देख लेंगे। तो अगर बात करूँ मैं प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड की, तो जो प्लग वेल्ड है ना, प्लग वेल्ड का मतलब क्या है कि अपन ने जब किसी दो प्लेट को कनेक्ट किया, जैसे मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और इसके ऊपर एक और प्लेट ले ली मैंने, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर अलग, तो क्या करते हैं ना यहाँ पे एक होल बना देते हैं, यहाँ पे एक होल बना देते हैं होल, और इस होल के अंदर कंप्लीटली, होल के अंदर कंप्लीटली क्या करते हैं वेल्डिंग कर देते हैं, कंप्लीट वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, साइड साइड नहीं केवल कंप्लीट। तो दिस इज टर्म एज प्लग वेल्ड, क्या आपने क्या किया इसके अंदर पूरा कंप्लीटली वेल्डिंग कर दिया। अगर मैं बात करूँ स्लॉट वेल्ड की, स्लॉट वेल्ड क्या होता है अपन पढ़ेंगे, स्लॉट वेल्ड का डिजाइन, सबका डिजाइन पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ स्लॉट वेल्ड का, तो सेम आप इसी कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, सेम यही प्लेट कनेक्ट किया आपने, आपने कनेक्ट किया और क्या किया आपने ये सर्किल बनाया, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आपने क्या किया ये जो वेल्डिंग की है ना, अब आपने ये वेल्डिंग जो है इसके केवल और केवल पेरिफेरीज पे की है, केवल साइड पूरा फिल नहीं किया है वेल्डिंग से, केवल कहाँ किया है बस पेरिफेरीज पे किया है और कहीं नहीं किया है, ठीक है, बस पेरिफेरीज पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लॉट वेल्ड। मतलब कई बार अपन स्लॉट वेल्ड में क्या करते हैं कि इसमें जो इस प्लेट है उसको इस तरह से कट कर देते हैं, इसको इस तरह से कट कर देते हैं, तो क्या होता है जैसे मान लो अभी आप सीधा करोगे तो वेल्डिंग की लेंथ कितनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, मान लो ये मान लेता हूँ टी एल इफेक्टिव मान लेता हूँ मैं, इतनी मिलेगी। अब आपने प्लग बना दिया, तो आप देखो यहाँ से क्या हो, स्लॉट बना दिया आपने, स्लॉट बोलते हैं इसको, प्लग नहीं, प्लग तो ऊपर हो गया, तो यहाँ से आपको लेंथ बढ़ गई ना, अब आप यहाँ भी वेल्डिंग कर सकते हो, तो ये क्या है इफेक्टिव लेंथ जो है वो क्या गई, बढ़ गई, तो ये क्या है एक तरह का स्लॉट वेल्डिंग है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत सिंपल है ये स्लॉट वेल्डिंग। अपन इनके डिजाइन देखेंगे, ठीक है, अपन बट वेल्ड नहीं पढ़ेंगे, बट वेल्ड सिंपल है। देखो अगर मैं बात करूं फिलेट वेल्ड की, तो फिलेट वेल्ड दो टाइप का होता है, ये भी ध्यान रखना, फिलेट वेल्ड भी जनरली दो दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है एंड फिलेट, एक होता है एंड फिलेट, ठीक है, और दूसरा होता है साइड फिलेट। पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, एक होता है एंड फिलेट और दूसरा होता है साइड फिलेट, सुना है आप लोगों ने, हाँ, इंस्पेक्शन में डिफिकल्टी तो होगा, जरूर होगा, एकदम सही बात है, लेकिन अपने को स्ट्रेंथ मिल जाती है, ठीक है, स्ट्रेंथ मिल जाती है, हाँ स्ट्रेंथ मिल जाती है। देखो एंड फिलेट और साइड फिलेट के बारे में आप लोग जानते हो, सुना है आप लोगों ने एंड फिलेट क्या होता है, साइड फिलेट क्या होता है, दो तरह की फिलेट वेल्ड होती है, एक होता है एंड फिलेट और एक होता है साइड फिलेट, इसका मतलब पता है, सुना है आप लोगों ने। देखो मैंने जब भी मैं देखो कोई भी मैंने बताया कि गेट के लेक्चर में कुछ भी स्टार्ट करूंगा, देखो रुबेल जी सारे वेल्ड जो आपको खुद ही जब आप क्वेश्चन करोगे ना समझ में आ जाएगा कि कौन सा वेल्ड कब यूज करेंगे। देखो अगर बताऊं एंड फिलेट, तो क्या होता है कि अपन दो भी कोई भी दो प्लेट अगर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो ये प्लेट है इससे कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, और एक प्लेट यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं, यहां पे एक प्लेट कनेक्ट कर रहा हूं इससे, ठीक है, तो इसमें एंड फिलेट कब बोलेंगे और कब बोलेंगे साइड फिलेट, जब आप क्या करोगे एंड बोल रहा हूं मैं, जब आप क्या करो केवल और केवल एंड पे यहां पे वेल्डिंग करोगे, ठीक है, मतलब लोड के परपेंडिकुलर, ये लोड है तो परपेंडिकुलर टू लोड, परपेंडिकुलर टू लोड,
जो बिल्डिंग होगी दैट इज एंड फिलेट, ठीक है, और कौन पर है, जो वेल्डिंग की एक्सिस है, एक्सिस ऑफ वेल्ड, एक्सिस ऑफ वेल्ड, ये एक्सिस आएगी वेल्ड की परपेंडिकुलर टू जब लोड होगा, दिस इज टर्म्ड एज एंड फिलेट, और जब वेल्डिंग ऑफ एक्सिस ऑफ वेल्ड, ठीक है, एक्सिस ऑफ वेल्ड पैरेलल टू लोड, एक्सिस ऑफ वेल्ड पैरेलल टू लोड हो जाएगा तो कौन सा वेल्ड होगा, साइड फिलेट होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये सब सवाल पूछते रहते हैं यार, कई बार एईजेई के एग्जाम में आता है, क्लियर, कई बार ये एईजेई के एग्जाम में आ चुका है सवाल कि साइड फिलेट या एंड फिलेट क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये बेसिक बेसिक बातें हो गई फिलेट या वेल्ड के बारे में, इससे ज़्यादा अपने खास परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है वेल्ड में। अब देखो कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कुछ अगर मैं थोड़ा बहुत बता दूं, चलो लास्ट में बता दूंगा, ये वेल्डिंग होने के बाद, ये तो लास्ट में बताना चाहिए ना कि वेल्डिंग में क्या क्या है, वेल्डिंग में प्रॉब्लम क्या क्या है, या वेल्डिंग वेल्ड डिफेक्ट क्या है, ये वेल्ड डिफेक्ट भी है अपन पढ़ेंगे लास्ट क्लास में, ताकि डिफेक्ट आप लोग वेल्ड डिफेक्ट तो अपन लास्ट में पढ़ेंगे ना, तो लास्ट में पढ़ते हैं, पहले डिजाइन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, वेल्ड डिफेक्ट पढ़ेंगे अपन। वेल्ड डिफेक्ट भी होता है कि पोरोसिटी आ गया, क्रैक्स आ गए, अंडर कटिंग हो गई, ठीक है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्यूजन है, बता देंगे क्या क्या होता है, ठीक है, अपन लास्ट में पढ़ेंगे। अब अपन वेल्डिंग के डिज़ाइन पे आते हैं, ठीक है, कि वेल्डिंग फिलेट वेल्ड का डिज़ाइन कैसे करेंगे, क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। देखो अब आते हैं फिलेट वेल्ड के डिज़ाइन पे, ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस में यही है, फिलेट वेल्ड डिज़ाइन, ठीक है। देखो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अगर फिलेट वेल्ड के डिज़ाइन की बात करूँ, तो जो फिलेट वेल्ड है वो लोड कोई सा भी ले सकता है, इट कैन बियर एनी लोड, ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी लोड बियर कर सकता है, बट फेल किस में होगा, फेल्स इन सियर, ठीक है, फेल जो होगा वो कहाँ होगा, सियर में होगा, ये कोई भी लोड बियर कर सकता है, ठीक है, लेकिन फेल किस में होगा, हाँ फेल किस में होगा, वो होगा सियर में, ठीक है, सबको क्लियर है। देखो मिथिलेश, ऐसा स्ट्रांग वाली, अगर आप फिलेट और बट को मैंने क्लासिफिकेशन बताया आपको ना कि कैसे क्लासिफाई करते हैं, आपको दो मेंबर जोड़ना है, स्ट्रांग कोई टाइप नहीं है, स्ट्रांग क्या है, स्ट्रांग तो वेल्डिंग है ना, आपने अगर एक बट वेल्ड से जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, क्योंकि मेंबर ऐसे थे इसलिए आपने बट वेल्ड किया, आपने फिलेट क्यों किया, क्योंकि मेंबर ऐसे थे तो आपने फिलेट वेल्ड किया, तो आप इन दो मेंबर इसकी स्ट्रेंथ उसको इस स्ट्रेंथ से कंपेयर थोड़ी कर सकते हो, आप वन और टू को कंपेयर कैसे करोगे, ये परपेंडिकुलर ऐड हुआ है, ये ऐसे ऐड हुआ है, तो बस यही तो डिफरेंस है बट और फिलेट में, वेल्डिंग का टाइप थोड़ी बदल गया, वेल्डिंग तो वही मैकेनिकल वाले कर रहे हैं, वही आर्क वेल्डिंग है, वही इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग है, जो भी उनके पास मटेरियल है उसको यूज कर रहे हैं, वेल्डिंग का टाइप थोड़ी बदला है, वेल्डिंग का ओरिएंटेशन बदला है और ओरिएंटेशन से टाइप बदल गया, तो इसको कंपेयर आप नहीं कर सकते कि कौन सा स्ट्रांग है। हाँ आप फिलेट, नॉर्मल फिलेट और स्लैग, स्लैग या प्लग और स्लॉट में कंपेयर कर सकते हो, कि प्लग या स्लॉट में आप कंपेयर कर सकते हो, प्लग में स्लॉट में कंपेयर कर सकते हो, और वो आपको दिख रहा है कि जब आप एल इफेक्टिव बढ़ा दोगे तो जिसमें एल इफेक्टिव ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, आप बट वेल्ड को और फिलेट वेल्ड कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसमें बट वेल्ड दे ही नहीं सकते, यहाँ पे आप बट वेल्ड कभी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, और यहाँ पे आप फिलेट वेल्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिलेट वेल्ड है ही नहीं 0 डिग्री एंगल के लिए, बात समझ में आ रही बात, तो इसको ऐसे इस चीज़ से कन्फ्यूज ना होना, ठीक है। देखो ये था डिज़ाइन, तो हमेशा अपन जब डिज़ाइन करेंगे किसी भी फिलेट वेल्ड को तो किसको डिज़ाइन करेंगे, सीयर में डिजाइन करेंगे, क्योंकि लोड कोई सा भी ले सकता है लेकिन फेल किस में होगा, सीयर में होगा। तो वो इसको जानने से पहले अपन देखते हैं कि किस तरह से अपन वेल्ड करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वेल्डिंग की, तो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, इन दोनों प्लेट को मैंने क्या किया है, जोड़ा है, ठीक है। मेंबर के ओरिएंटेशन में डिपेंड करता है पुष्पेंद्र जी, ओरिएंटेशन पे, कि मेंबर का ओरिएंटेशन कैसा है, अगर ओरिएंटेशन ऐसा है तो बट वेल्ड करोगे, अगर ओरिएंटेशन ऐसा है, बताया ना 60 to 90 डिग्री वाला एंगल है, तो आप क्या 120 डिग्री, जनरली ये 90 ही होता है जनरली, तो आप फिलेट वेल्ड करोगे, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, और अगर एल इफेक्टिव नहीं आ रहा तो आप फिलेट वेल्ड को प्लग या स्लॉट लगा के एल इफेक्टिव बढ़ाओगे। अपन देखेंगे क्वेश्चन से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, स्लॉट क्या होता है, प्लग क्या होता है, ठीक है, अभी इससे परेशान मत हो। देखो तो इस तरह का कोई वेल्डिंग है, यहाँ प्लेट है, मैं यहाँ पर वेल्डिंग कर रहा हूँ, ये मैंने कर दी वेल्डिंग, ठीक है, मैं इसका नॉर्मल मैंने क्या किया, स्लैग रिमूव कर दिया,
ये बिल्डिंग जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये स्लैग रिमूव करने के बाद दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्लैग रिमूव हो चुका है, साफ कर दिया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ भी बिल्डिंग होगा, यहाँ भी बिल्डिंग होगा, क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ इसको, देखो यहाँ से मैंने क्या किया है, इस रूट से, ये रूट है, इसको अपन बोलते हैं रूट, ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड रूट, ठीक है। यहां से मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, क्या ड्रॉप करूंगा, परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है इसी को अपन बोलते हैं थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस, ध्यान रखना। जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है रूट से किस पे, हाइपोटेनस पे, ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेन्यूस है। हमने क्या किया है, रूट से जो हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है दैट इज टर्म्ड एज थ्रोट थिकनेस, ठीक है। और ये वाली जो साइड है, एक जो साइड है यहां से यहां तक की जो साइड है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेग, इसको क्या बोलते हैं, लेग, ठीक है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं लेग, हाँ एकदम, इसको बोलते हैं अपन लेग। ये तो 90 डिग्री है बेसिकली, ये है लेग। इनमें अगर देखो दो बार, कई बार अलग अलग, अगर मैं इस ट्रेंगल को बाहर निकालूं तो कई बार इस तरह का ट्रेंगल होता है कि एक ट्रेंगल बड़ा एक ट्रेंगल छोटा, ठीक है। लेकिन जनरली अपन प्रिफर क्या करते हैं, अपन प्रिफर करते हैं इक्वल लेग लेंथ, ठीक है, कि ये भी क्या हो, ऐसो, और ये भी ऐसो, अलग अलग नहीं हो, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें जो मिनिमम मिनिमम जो लेग लेंथ होती है, मिनिमम क्या लेग लेंथ होती है, दैट इज टर्म्ड एज साइज ऑफ वेल्ड, क्या बोलते हैं इसको, साइज ऑफ वेल्ड। ये देखो आपका थ्रोट थिकनेस हो गया, ये जो मिनिमम लेग लेंथ है इसको अपन साइज ऑफ वेल्ड बोलेंगे। अगर सेम है तो सेम ही होगा, जैसे इसमें ये क्या है S1 है, इसमें S2 है, तो इसमें साइज ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगा, S1, जो मिनिमम है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है कि मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा जो मिनिमम लेग लेंथ है वो क्या है, साइज ऑफ वेल्ड है। सबको क्लियर है ये चीज कि मिनिमम लेग लेंथ क्या होती है या साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है। देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि थ्रोट थिकनेस क्या होता है, साइज ऑफ फील्ड क्या होता है, ठीक है। आगे चलता हूँ, देखो IAS कोड ने कुछ आप लोगों को क्या दिया है, कुछ अपने को क्राइटेरिया दिया है कि अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा IAS कोड के बारे में, कि पहले तो फिलेट वोल्ड क्या करेंगे, 60 to 120 से के बीच में ही करेंगे, 60 डिग्री से लेके 120 के बीच में, 60 से छोटा नहीं कर सकते, 120 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और IAS कोड ने रिलेशन दिया है थिकनेस, ठीक है, और थ्रोट थिकनेस, ठीक है, और साइज ऑफ वेल्ड में। अगर मैं बताऊं कि अगर आपको थ्रोट, देखो जनरली अपन जब डिजाइन करते हैं ना, समझ में नहीं आया कह रहे, चलो दोबारा डायग्राम बनाता हूं। देखो ये था डायग्राम, ये डायग्राम ट्रायंगल निकाल लिया मैंने, ठीक है, ये ट्रायंगल है, वही ट्रायंगल निकाला है मैंने, इसको कुछ और मत समझना, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, डायरेक्ट बस वो ट्रायंगल निकाल के दिखा रहा हूं आपको। ये ट्रायंगल देखा था अभी आपने, वहां बना था, इसको मैंने बताया रूट, ठीक है, मैंने यहां से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये क्या है, ये है थ्रोट, ये है थ्रोट, थ्रोट थिकनेस बोलते हैं इसको, ये वाला जो रूट से लेके यहां तक की जो डेटा है, ये वाला, अगर मैं इसको यहां दिखाऊं ऐसे, ये तो इसको बोलते हैं अपन थ्रोट, थ्रोट थिकनेस, ठीक है। और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, इसको बोलते हैं लेग, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको भी बोलते हैं लेग, दोनों लेग हैं, ठीक है, वो ट्रायंगल निकाल के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, एकदम। देखो सब लोग आंसर बता रहे हैं, तो कई बार देखो क्या होता है कि ट्रायंगल अनइक्वल होते हैं, तो बस ध्यान रखना कि ये इसी लेग को ना, ये जो लेग है ये क्या है, साइज ऑफ वेल्ड है, यही साइज ऑफ वेल्ड है। आपको देखो आप कभी भी जो वेल्डिंग करोगे तो आप ये थ्रोट थिकनेस मेजर नहीं कर सकते, आप वेल्डिंग इस थ्रोट के रिस्पेक्ट में नहीं करोगे, आप वेल्डिंग क्या करोगे, आप जब भी वेल्डिंग करोगे एक्चुअल में तो आप वेल्डिंग साइड में करोगे, मतलब ये प्लेट है आपकी, मान लो अगर मैं मान लूँ ये प्लेट है, ये इस तरह का प्लेट है, तो आप वेल्डिंग यहाँ यहाँ करोगे, यहाँ यहाँ वेल्डिंग करोगे, आप यहाँ वेल्डिंग थोड़ी कर सकते हो, यहाँ पे तो नहीं कर सकते ना, आप यहाँ यहाँ करोगे, तो इसीलिए इस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, ये जो है वो है साइड साइज, ठीक है। और अगर दो अनइक्वल हैं, ये तो इक्वल लेग था, ये दोनों इक्वल, ये दोनों लेग, ये ऐसे है और यहाँ भी ऐसे है, अगर अनइक्वल होंगे तो जो मिनिमम होगा, जो मिनिमम लेग होगा, मिनिमम लेग इज साइज ऑफ फील्ड, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि साइज ऑफ फील्ड क्या है, तो जो मिनिमम है वो क्या होगा, साइज ऑफ फील्ड होगा, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ से थ्रोट थिकनेस जो है ये टी है, इसको डिफाइन करते हैं के इंटू एस से, ठीक,
इसको डिफाइन करते हैं के इन टू एस से, और जो के है डिपेंड करता है एंगल पे कि एंगल कितना है फेस के बीच में, इसको बोलते हैं अपन एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन फ्यूजन प्लेट। फ्यूजन का मतलब क्या है, जिसको अपन क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, मैंने बताया था अपन हीट कर रहे हैं, तो एंगल बिटवीन फ्यूजन प्लेट। देखो एंगल अगर अलग अलग है 60 to 90, ठीक है याद है तो लिखते जाओ, 91 to 100 ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एंगल वेरी कहाँ से कर रहा है, 107 से 113 और 114 से 120, ठीक है ये बहुत जरूरी है। जनरली आपसे कुछ और नहीं पूछा जाता लेकिन ये एंगल जरूर पूछ लेते हैं। एक इसमें मिस हो गया, इसको कहाँ लिखूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है एंगल जो है अगर 101 से 106 हो तो कितना होता है 0.60, और यहाँ पे 0. मिटा देता हूँ इसको, एक मिक्स मिस हो गया है टेबल में से, तो ये टेबल में से निकल के यहाँ आ गया है, एक्चुअली यहाँ रहेगा, ठीक है तो ये आप लोग गलत मत ले लेना इसको। ये है 0.55 और ये वाला होता है 0.50, ये वाला डेटा जो है ना ये कहीं यहाँ बीच में है, ठीक है यहाँ पे होगा 101 से 106, क्लियर। ये डेटा आपको याद रखना है कि 60 to 90 एंगल होगा तो कितना होता है 0.7, 91 से लेके 100 होगा तो 0.65, 101 से 106 होगा तो 0.6, 107 से 113 होगा तो 0.55 और 114 से 120 होगा तो 0.5। ये ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आपसे सवाल पूछ लेते हैं 107, आप सवाल पूछ लेंगे 101, सवाल आपसे कई बार पूछा गया है कि 107 डिग्री पे कितना होगा के, 101 डिग्री पे कितना होगा के, ठीक है तो ध्यान रखना 101 नेक्स्ट में आ जाता है, ठीक है तो आपको डेटा ऐसे याद रखना है कि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ये रटने का डेटा है, आईएएस कोड ने परमिट किया है, ठीक है। अब देखो अगर इसको आप ध्यान दोगे तो जैसे जैसे आप आईएएस, ये सवाल कई बार पूछा है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है एंगल बढ़ रहा है, एंगल जो है बढ़ रहा है, के क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बात समझ में आ रही सबको, के क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो ये थ्रोट थिकनेस है ये क्या हो जा रहा है और कम होती जा रही है, पहले जैसे जैसे आप एंगल ज़्यादा रख रहे हो थ्रोट थिकनेस बढ़ रही है, आप एंगल कम करोगे थ्रोट थिकनेस बढ़ेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। के जो है कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, देखो ये बेसिकली यहीं से निकल के आया है इसी ट्रायंगल से, ठीक है अगर मैं के को समझाऊँ ना, अगर आप लोग के में कन्फ्यूज़ हो मैं बता दूँ, ये ट्रायंगल है ठीक है, अगर ये इक्वल साइड है मान लो 90 डिग्री है, मान लेते हैं 90 डिग्री, ये है टी, ठीक है ये एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, और ये जब इसको डिवाइड करोगे ना तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल है, ये भी एस है ये भी एस है, तो जब ये टी निकालोगे ना ये वाला टी निकालोगे और इस पर ये परपेंडिकुलर जा ही रहा है, तो अब ये जब टी निकालोगे मैं इसको एस को लिख सकता हूँ, एस को लिख टी लिख सकता हूँ कि एस कॉस 45, देखो यही लिखा है मैंने कि इस तरह से है, यह है एस, ये है 45 और ये है टी, ठीक है और ये क्या है ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो इसका कॉस 45 क्या आ जाएगा इसके साथ आ जाएगा, साइन 45 इसके इधर आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो कि ये कॉस 45 इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है या आप टी को ऐसे लिख सकते हो कि टी लिख सकते हो जो मतलब एस लिख सकते हो, ये उल्टा लिख दिया, हाँ एस लिख सकते हो, मिटाते हैं इसको, आप यहाँ से टी एस को लिख सकते हो टी कॉस 45, ठीक है तो अब यहाँ से टी कॉस 45 एस आ जाएगा तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा s डिवाइड बाई cos 45 डिग्री, मतलब s डिवाइड s इंटू रूट टू, ठीक है ये उल्टा हो गया शायद, तभी तो s इंटू रूट टू आ गया, हाँ पहले सीधा था यार, पहले सीधा था, हाँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, देखो एकदम ये परपेंडिकुलर है, देखो ध्यान दो दोबारा अच्छे से ध्यान दो, ये आपका ट्रायंगल है, ये है परपेंडिकुलर, ये है 90 डिग्री, ठीक है ये है 90 डिग्री और ये क्या है ये इसका हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस एस, ये है टी, ये एंगल है 45 डिग्री, हाँ एकदम सही, तो आप जब भी यहाँ भी 45 डिग्री आएगा, तो आप जब भी इसको कंपेयर करोगे चाहे आप इधर वाला एंगल ले लो चाहे आप इधर वाला कंपोनेंट ले लो चाहे इधर वाला कंपोनेंट ले लो, तो एस इक्वल टू मतलब टी इक्वल टू हो जाएगा एस कॉस 45 डिग्री, ठीक है एस कॉस 45 मतलब एस डिवाइड बाई रूट टू, इसको सॉल्व करोगे तो 0.7 ही आएगा, 0.7 ऐसा आ जाएगा, वही निकाला गया है के, ये कांस्टेंट वही है और कुछ नहीं है, बात समझ आ रही। देखो सबसे वीक पार्ट होता है थ्रोट, इसीलिए अपन बात कर रहे हैं, सबसे वीक पार्ट होता है
थ्रोट, ये समझ में आया के क्या है? श्रीरंग जी के समझ में आ गया सबको? इंजीनियरिंग ट्रैकिंग जी कंफ्यूज नहीं हो यार, ऐसा ये 90 डिग्री है, इधर उधर हो गया है, ठीक है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है सबको? कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ये 90 डिग्री था इसलिए इधर उधर हो गया है, अब क्लियर है? 90 डिग्री ये एंगल है, ठीक है, इंजीनियरिंग ट्रैकिंग जी अब समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं है, ये 90 डिग्री घूम गया था इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, देखो कोई भी है गलती तो हो ही जाती है, ये ऐसा तो नहीं कि मैं 100% करेक्ट हूँ और मुझे 100% सिविल इंजीनियरिंग सब कुछ आती है, कोई भी हो, देखो मैं बता दूं आपको, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, चाहे किसी से किसी को भी आप जानते हो, कोई ऐसा नहीं है जिसको 100% सब कुछ आता हो और जिससे कभी गलती ना होती हो, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, ठीक है, गलती हो जाती है, पहले मुझे डर लगा कि हाँ ये 90 डिग्री है, अब सही है, क्लियर है ये? क्लियर, तो ये के क्या है समझ में आ गया सबको? कि ये है थिकनेस, ये 90 डिग्री है और ये के है, क्लियर? इंजीनियरिंग ट्रैकिंग ये आपको समझ में आया कि ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया? देखो ऐसा नहीं है कि ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बना के अपलोड कर रहा हूँ कि कोई भी गलती हो रही तो उसको मैं पहले उस वीडियो को कट कर दे रहा हूँ, लाइव चल रहा है, ठीक है, हो सकता है मैं भी कुछ गलत लिख दूँ, दिस इज पॉसिबल, ठीक है, कि मैं कुछ गलत लिख दूँ और आप लोगों को उसको बताना भी है सर ये गलत है आप चेक करो, और ऐसा होता है हर जगह, आपने कॉलेज में पढ़ाई की होगी, कहीं भी पढ़ाई की होगी, ऐसा होता है, ये कॉमन है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, सॉरी गलती हो गई बट बता रहा हूँ, तो ये क्लियर है कि के क्या है? देखो यहाँ से आप के निकाल लो, ये वही के जो है एंगल पर डिपेंड करता है बेसिकली कि आप क्या कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये बेसिक के होगी, के की बातें हो गई, अब अगर बात करें अपन डिजाइन की, तो आप हमेशा जब भी डिजाइन करोगे, जब भी डिजाइन करोगे तो आप क्या डिजाइन करोगे? आप डिजाइन करोगे थ्रोट थिकनेस के बेस पे, आप डिजाइन करोगे थ्रोट थिकनेस के बेस पे, क्योंकि सबसे वीक पॉइंट जो होगा, सबसे वीक पॉइंट क्या होगा, जिसकी थिकनेस सबसे क्या होगी, सबसे वीक वही होगा जिसकी थिकनेस क्या होगी, जिसकी थिकनेस सबसे कम होगी, ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो ये ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में इन दोनों की थिकनेस ज्यादा और इसकी थिकनेस क्या है, सबसे कम है ये, इसीलिए ये क्या होगा, सबसे पहले फेल होगा, तो अगर आपने इसको पास करा दिया, अगर आपने इसको पास करा दिया तो सब पास है, ठीक है, इसीलिए जब अपन डिजाइन करेंगे तो अपन किसके बेस पे डिजाइन करेंगे, थ्रोट थिकनेस के बेस पे, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, कभी भी साइज ऑफ वेल्ड के बेसिस पे डिजाइन नहीं होगा, डिजाइन जो होगा वो होगा थ्रोट थिकनेस के बेस पे, क्लियर है? और ऐसा क्लियर है, क्यों क्लियर है, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या है, सबसे कम है, जो कम है वो जल्दी फेल होगा, क्लियर है? तो बस यही होगा। देखो अब आपसे अगर पूछा जाए, कई बार आपसे पूछा जाता है कि अगर फ्यूजन प्लेट का एंगल जो है 105 डिग्री है, ठीक है, तो और जो साइज ऑफ प्लेट है, साइज ऑफ वेल्ड है, वो मान लो मैं मान लेता हूँ 8 mm, साइज जो है 8 mm है, तो फटाफट बताओ थ्रोट थिकनेस कितना होगा? देखो ये छोटा सा सवाल है, ये फ्यूजन प्लेट का एंगल जो है अल्फा है 105 डिग्री, साइज ऑफ वेल्ड जो 8 mm है, थ्रोट थिकनेस बता दो कितना आएगा? तो देखो ये बेसिक थी सारी वेल्ड के बारे में, ठीक है, मुझे पता था आज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हैं इसमें जो अगर आप नहीं क्लियर करोगे तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है, और आज अपन ने ज्ञान की बातें भी कर ली, थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें भी आज हो गई थी, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम और लग गया। तो ये देखो बेसिक सा है, बताओ थ्रोट थिकनेस कितना होगा, अगर अल्फा 105 है और एस 8 mm है तो थ्रोट थिकनेस कितना होगा, के फटाफट याद करो जल्दी से, 60 to 90, 91 to 100, 101 to 106 मिल गया, 0.7, 0.65 और 0.6, ऐसे ही याद करना है। देखो अब बता दो, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 8 into 0.6, 4.8 mm, देखो किसी का आंसर नहीं आया, आप लोगों ने, मेरा आंसर आप लोगों से पहले आ गया, क्या कर रहे हो भाई, क्लियर, सबको क्लियर है? तो बस आप थ्रोट थिकनेस निकालो, आप फाइंड कर लो, क्लियर? आपको देखो हमेशा थ्रोट थिकनेस ही निकालना है, आपको एल इफेक्टिव जब भी निकालना है तो आपको क्या निकालना है, थ्रोट थिकनेस निकालना है, क्योंकि आपको थ्रोट थिकनेस ही लेना है एल इफेक्टिव में, जब भी आप एल इफेक्टिव निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, थ्रोट थिकनेस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि आप एल इफेक्टिव के अंदर केवल थ्रोट थिकनेस ही पुट करोगे, साइज ऑफ वेल्ड पुट नहीं करोगे, क्लियर है? थ्रोट थिकनेस के अंदर आप क्या पुट करोगे, थ्रोट थिक साइज ऑफ वेल्ड डिजाइन में आप क्या पुट करोगे, थ्रोट थिकनेस, ना कि साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है? देखो आप इतना ही है,
वेल्डिंग में, इससे ज्यादा वेल्डिंग में कुछ नहीं है। अगर आपको इतना क्लियर है ना, तो आप वेल्डिंग में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है, ध्यान रखना। आप कभी भी वेल्डिंग में कंफ्यूज नहीं होगे अगर आपको थ्रोट थिकनेस क्लियर है। बाकी इसके बहुत सारे जो है आईएएस कोड के स्पेसिफिकेशन है, उसको अपन कल डिस्कस करेंगे कि कितना मिनिमम थिकनेस होना चाहिए, कितना साइज ऑफ वेल्ड होना चाहिए, क्योंकि साइज ऑफ वेल्ड आप पहले पता कर लोगे, ठीक है, क्लियर क्लियर। इंजीनियरिंग ट्रैकिंग जी क्या कर रहे हो आप, साइज ऑफ बेस्ड ऑन कहाँ, साइज इज बेस्ड ऑन है, थ्रोट थिकनेस पे बेस्ड है। अब मुझे लग रहा है आपका जो उद्देश्य है पढ़ने का नहीं है, ठीक है ठीक है। देखो अल्टीमेट लोड थ्योरी पे बेस्ड है, मुझे चेक करे तो चलो आज चेक कर लो, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर का जो डिजाइन है दैट इज बेस्ड ऑन अल्टीमेट लोड थ्योरी, ठीक है। देखो मैं बता दूं कि आप मतलब जो भी हो, ठीक है, लेकिन मैं ये इतना जरूर मुझे पता है कि तुमसे ज़्यादा मुझे जानकारी है, ठीक है, तो तुमसे कुछ भी पूछ लो बता दूंगा मैं, क्लियर। वैसे तुमसे मुझे मतलब कोई ऐसी बात नहीं, आप स्टूडेंट जैसे ही हो, ठीक है। देखो 11 to 12 PM क्लासेज हैं, 12 AM मतलब 11 AM से 12 AM, 12 PM हो जाता है जनरली। 11 से 12 डेली क्लासेज होती हैं आपकी गेट की, ठीक है, ये गेट ईएस सबकी क्लासेज हैं, ठीक है अपन, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल दोनों अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो 11 AM पे क्लास स्टार्ट होती है, 1 घंटे की क्लास डेली है। जिनको भी अब देखो मतलब इतना हो गया बिल्डिंग में, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो भी और डिस्कशन होगा। तो जिनको भी कहीं डाउट हो, कोई भी अगर कमेंट हो, जो भी हो, लाइक लाइक डिसलाइक आप जरूर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते ग्रुप पे लिखो, अपन जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अभी जितना अपन ने पढ़ा है एकदम क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन आज जो भी थ्योरीज है उसको पढ़ी है, क्योंकि बहुत देखो थ्योरीज सिंपल है, ठीक है। कल अपन डिज़ाइन वगैरह करेंगे और इस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और कोई डाउट हो जरूर बताइए मुझे, ठीक है। कल करेंगे क्वेश्चन, देखिए आज टाइम हो गया है एजुकेशन सिविल जी, आज टाइम हो गया, अपन कल क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल कल करेंगे, ठीक है। बाय एवरीवन।